बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूं। हमारा आज का नया टॉपिक है प्रभावकारी परमाणु संख्या, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे कि अफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या होती है और इसको किस तरह से आप निकाल सकते हैं। बच्चों चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले समझिए बेटा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संकुल यौगिक है, अगर आपके पास कोई संकुल यौगिक है और आप संकुल यौगिक के स्थायित्व के संदर्भ में, ठीक है, हमारे पास कोई संकुल यौगिक है और हम संकुल यौगिक के स्थायित्व के बारे में क्या चाहते हैं, जानकारी, हम जानकारी चाहते हैं। तो बच्चों किसी भी संकुल यौगिक के स्थायित्व के संदर्भ में अगर हमको कोई जानकारी चाहिए तो हमको जो टॉपिक यहां पर देखना होता है या जो पढ़ना होता है वो टॉपिक हमारा होता है प्रभावकारी परमाणु संख्या। ठीक है, इसको कुछ आप इस तरह से भी समझ लीजिए, मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, ताकि आप उसको सरलता से समझ सकें। बच्चों अगर संकुल यौगिक में, है ना, जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, K4FeCN होल नंबर ऑफ 6 में बच्चों हमारा जो CMI है, है ना, मैंने आपको बताया था CMI को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं केंद्रीय धातु आयन। तो बच्चों हमारा जो CMI है, केंद्रीय धातु आयन है, उस केंद्रीय धातु आयन के साथ कौन जुड़ता बच्चों, उसके साथ जुड़ते हैं लिगेंड। लिगेंड का क्या होता है, जुड़ाव होता है। आ रही है बात समझ में आपको? ठीक है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला संकुल यौगिक में कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं, मैंने एक उदाहरण लिया है, उस में जो भी आपका CMI होगा, ठीक है, जो भी CMI होगा उसको आप क्या बोलने वाले हो, केंद्रीय धातु आयन, है ना, सेंट्रल मेटल आयन बोलोगे। तो उस केंद्रीय धातु आयन के साथ हमेशा किसका जुड़ाव होता बच्चों, लिगेंड का। तो वो लिगेंड कब तक, ये ऐसा कह दें कितनी संख्या में, कब तक या कितनी संख्या में जुड़ेंगे, ठीक है, कब तक या कितनी संख्या में जुड़ेंगे, जो संकुल यौगिक होगा वो स्थाई होगा या फिर वो अस्थाई होगा। यानी हमको उसके स्थायित्व और उसके अस्थायित्व की जानकारी किससे प्राप्त होगी बच्चों, वो हमको प्राप्त होगी प्रभावकारी परमाणु संख्या से, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से। अब प्रश्न ये उठता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है और इसको आप किस तरह से निकालेंगे। तो बच्चों चलिए इसके लिए जल्दी से आपको एक सूत्र बता देता हूं। प्रभावकारी परमाणु संख्या, संक्षिप्त में EAN कहा है मैंने इसको, बराबर CMI का परमाणु क्रमांक माइनस CMI पर आवेश, CMI पर आवेश, या आप कह दें उसका क्या निकालना है बच्चों आपको, ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, प्लस 2 × लीगेंडों की संख्या, 2 × लीगेंडों की संख्या। तो बच्चों ये
प्रभावकारी परमाणु संख्या को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक संक्षिप्त सा एक जर्नल सामान्य सूत्र है, जिसका इस्तेमाल करके, जिसकी सहायता से हम किसी भी संकुल यौगिक की स्थायित्व की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों कैसे प्राप्त करेंगे, अब वो समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेने जा रहा हूं। उदाहरण पर ध्यान दीजिए बच्चों, मैं जो उदाहरण ले रहा हूं वही ले रहा हूं, K4Fe CN होल नंबर ऑफ 6। बच्चों इस उदाहरण में मैं आपको प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालकर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कैलकुलेशन कर बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का संकुल यौगिक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बच्चों उसका IUPAC नाम पता होना चाहिए, या उसको आपको उसका IUPAC नाम लिखने की पूर्ण जानकारी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो आप देखेंगे और समझ जाएंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं, इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम है बच्चों वो है पोटेशियम हेक्सा, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट 2। बच्चों हमारा जो कंपाउंड है आप देख रहे हो, इस कंपाउंड का जो नाम है वो है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2। तो यहां पर आपके सामने वो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का अब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मेजर करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने फार्मूले में लिखा हुआ है प्रभावकारी परमाणु संख्या EAN बराबर CMI का परमाणु क्रमांक। तो आपके कंपाउंड में जो भी आपका CMI है उसका परमाणु क्रमांक, तो यहां पर बच्चों EAN इज इक्वल टू, तो जो CMI है वो है Fe और उसका परमाणु क्रमांक होता है 26, है ना, आयरन का 26 होता है, माइनस फार्मूले में माइनस है। फिर लिखा बच्चों CMI पर आवेश या ऑक्सीकरण अंक। तो ये नाम लिखने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन यही है कि ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको उसके ऑक्सीकरण अंक की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, या बच्चों आपको यह पता चल जाएगा कि जो CMI है उस पर आवेश की मात्रा कितनी है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही, आपको पता चल जाएगा कि जो भी CMI इस्तेमाल किया गया है कंपाउंड में उस पर आवेश की मात्रा कितनी है। तो बच्चों रोमन डिजिट में, रोमन अंकों में ये जो लिखा हुआ यही उस पर आवेश की मात्रा है, या हम इसी को क्या बोल रहे हैं, उसका ऑक्सीकरण अंक कह रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमारा जो CMI ये Fe फेरेट है उसका ऑक्सीकरण अंक कितना है, 2 है। तो बच्चों हम इससे 2 को माइनस कर देंगे, उसके बाद फार्मूले में प्लस, तो हम प्लस लगा लेंगे, फिर 2 × लिगेंड की संख्या, तो 2 × लिगेंडों की संख्या। बच्चों अब आपको देखना है कि जो CMI है उससे जुड़े हुए जो लिगेंड है तो वो कितने लिगेंड है, तो कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं बच्चों, 6, तो हम 6 से इसको गुणा कर देंगे। फिर इस नंबर को केवल अब आपको सॉल्व कर लेना बच्चों, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 2 प्लस 12, बच्चों 26 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 24 और 12, इस तरह से टोटल अंक आपको मिलेगा 36। ठीक है, तो बच्चों जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारी जो प्रभावकारी परमाणु संख्या आई इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वो कितनी आ रही है, 36 आ रही है। तो बच्चों अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और वो पद अब आपके सामने रखने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। बच्चों आपके पास जो संकुल यौगिक हैं, ठीक है ना, जो भी संकुल यौगिक हैं आपके पास, तो अगर संकुल यौगिकों का, अगर जो भी संकुल यौगिक हैं तो संकुल यौगिक का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके पास 2 आ जाए, 10 आ जाए, 18 आ जाए, ठीक है, 36 आ जाए, ठीक है, 54 आ जाए, 86 आ जाए, तो बच्चों ये जो नंबर है ना, ये नंबर कोई साधारण नहीं है, हम इसको कहते हैं ये जादुई अंक है, ये जादुई अंक है। और बच्चों 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये आवर्त सारणी में, ये आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्वों का,
जो भी शून्य समूह के तत्व है ना, तो शून्य समूह के तत्वों का क्या है बच्चों, ये उनका परमाणु क्रमांक है। और जैसा कि आप जानते हैं शून्य समूह के जो तत्व हैं आवर्त सारणी में, ये कैसे होते हैं, ये सर्वाधिक कैसे माने जाते हैं बच्चों, ये स्थाई। तो ये सर्वाधिक स्थाई हैं, ये 100% स्थाई माने जाते हैं। तो इनके स्थायित्व का ये जो नंबर है बच्चों, है ना, इन नंबर की वजह से इनको हमने क्या बोला, इन अंकों को जादुई अंक। तो इनके स्थायित्व का कारण ये जादुई अंक है। और यही तर्क हमको वैज्ञानिक वर्नर ने भी दिया, जब उन्होंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की गणना की तो उन्होंने बताया कि जिन संकुल यौगिकों में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 के बराबर प्राप्त होंगे, ऐसे संकुल यौगिक जो होंगे बेटे, वो सर्वदा कैसे माने जाएंगे, वो स्थाई माने जाएंगे, वो 100% स्थाई होंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब वो अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 या 86 रख लेते हैं तो उसके बाद वो अपने साथ लिगेंड को जोड़ना बंद कर देते हैं, उसके बाद वो अपने साथ लिगेंड नहीं जोड़ते क्योंकि वो स्थाई हो चुके होते हैं। लेकिन अगर संकुल यौगिकों का जो अफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, अगर वो 2, 10, 18, 36, 54 और 86 ना प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में अभी उनके साथ और लिगेंड जुड़ते जाएंगे और वो तब तक जुड़ेंगे जब तक कि वो एक जादुई अंक के पास नहीं पहुंच जाता, अर्थात वो स्थाई नहीं हो जाता। जब तक वो अस्थाई है, जब तक वो अपने साथ लिगेंडों को जोड़ता चला जाएगा। तो बच्चों इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इस आधार पर हम किसी भी संकुल यौगिक के स्थायित्व और उसके अस्थायित्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों होप सो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप समझ गए होंगे। तो बच्चों जो आज मैंने आपके सामने ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा हुआ है अफेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूप में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। बच्चों कुछ और भी प्रश्न अभी इस टॉपिक में लिए जा सकते हैं और ऐसे छोटे छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न अभी आपके सामने रखे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ अगले प्रश्न भी आपके साथ ले लेता हूं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ठीक है, अभी तक मेरी बात समझ में आई। बच्चों इसके बाद मैं आपके सामने एक टॉपिक ले रहा हूं और ध्यान दीजिए, वो टॉपिक है किलेट। बच्चों मुझे आपको समझाना है कि किलेट क्या होता है, तो बहुत अच्छी तरह से और ध्यान से समझने का प्रयास करिए किलेट क्या होता है। जब किसी बहु दंतुर लिगेंड को धातु आयन के साथ अभिकृत कराया जाता है, तब बहु दंतुर लिगेंड धातु आयन के साथ मिलकर एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक बना लेता है, जिसे क्या बोलेंगे बच्चों हम, किलेट, जिसको किलेट कहते हैं। बच्चों एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूं, किलेट का सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों NIDMG,
बच्चों ये एनआईडीएमजी में जो आई है वो स्मॉल बनाया है मैंने ताकि आप समझ पाए कि निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम इस कंपाउंड का पूरा नाम है निकिल, एनआई का मतलब है निकिल, निकिल डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम, ग्लाइऑक्सिम। तो बच्चों सबसे पहले मैं जो एग्जांपल आपके सामने कीलेट के रूप में रखने जा रहा हूं वो रखने जा रहा हूं निकिल डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम। तो बच्चों एग्जांपल को ध्यान से समझिए और देखिएगा, ठीक है। आपके सामने मैंने ये जो एग्जांपल रखा निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, इसकी संरचना, इसका रूप, इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी, ठीक है, जो आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं वो आपके सामने आते रहेंगे और आपको इन सारे प्रश्नों को समझना है, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको सबसे पहले आज की जो क्लास ली और मैंने उस क्लास में मैंने आपको बताया कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या था, आपने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में जाना, मैंने आपको किलेट के बारे में बताया। तो बच्चों ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए बच्चों, जहां पर भी आपको लगता है कि कोई केमिकल फार्मूला आपको मेंशन करना है तो आप पाठ्यपुस्तक की हेल्प ले सकते हैं और आप वहां पर केमिकल फार्मूला भी साथ में मेंशन करते जाइए। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी कुछ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।